नमस्कार, दर्श न्यूज में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं आपके साथ चंद्रमोहन। राजधानी पटना में शहर के अंदर दैनिक मजदूरों की हड़ताल का व्यापक असर दिखने लगा है। शहर का कोई ऐसा गली मोहल्ला नहीं है जहां पे गंदगी नहीं फैली हुई है, कूड़ों का अंबार नहीं लगा है। आज अहले सुबह दैनिक मजदूरों ने राजधानी पटना के कई मोहल्लों में प्रदर्शन किया। चप्पल की माला बनाकर मजदूर पटना की मेयर सीता साहू और पटना के आयुक्त अनिमेश पराशर को खोजते नजर आए। क्या कुछ कह रहे हैं दैनिक मजदूर, चलिए देखते हैं। नगर आयोग मेयर यह हठधर्मिता पर उतरे हुए हैं और यह जो है कि नगर निगम को जो है बर्बाद और तबाह करने का जो है कि साजिश कर रहे हैं। तमाम जो है जो आउटसोर्सिंग के माध्यम से जो है यह काम कराना चाह रहे हैं। पिछले दिनों जो है यह एली कमिश्नर जो है कि 9,100 जो है कर्मचारी को जो है आउटसोर्सिंग से जो है कि ब्लैक लिस्टेड किया था और 90 करोड़ जो है वह जो है कि फर्जी जो है कि हाजिरी बनाकर पैसा को लिया गया है। वो उसके खिलाफ में जो है और जो हमारे जो दैनिक कर्मचारी जो है 15-20 साल से लगातार जो है कि दैनिक पर जो है काम कर रहे हैं उनको सेवानिवृत्ति करने के लिए अस्थायी नियुक्ति करने के लिए उनको जो है कि डिमांड जो है कि लगातार हम लोग 20 में हड़ताल किए थे, 21 में हड़ताल किए थे, 22 में हड़ताल किए थे और 23 में भी उसी मांग को लिए हम लोग सड़क पर उतरे हैं। जबकि यह आपको पटना हाई कोर्ट भी जो है यह निर्णय दे चुका है कर्मचारियों के पक्ष में 21 अक्टूबर 2022 को जो है कि दिया है कि इन कर्मियों का जायज मांग है और इनको तुरंत अविलंब जो है इनको दिया जाए। वही हमारे जो है उप मुख्यमंत्री सब नगर विकास मंत्री जी पूर्व में 22 में जो है 9 सितंबर को जो है 22 में वह जो है कि हमारे आश्वासन दिए थे कि अभी हम तुरंत आए हैं, आप 10 रोज जो है रुक जाइए, हम आपको स्थायीकरण करने का यह कैबिनेट में ले जाएंगे। लेकिन आज तक नहीं ले गए हैं। इसी के जो है बाद होकर जो है पुनः जो है कि हम लोग हड़ताल पर उतरे हैं, इनका समान काम का समान वेतन दिया जाए। क्या करेंगे आगे, क्या करेंगे आगे, आप लोग क्या करेंगे? अब हमारे पास जो है जो ये ब्रह्मस्त्र था हड़ताल जो था यह हमारी जो है यह लास्ट जो है, अब हम लोग हड़ताल पर चले गए हैं, अब पीछे नहीं हटेंगे और चाहे इसके लिए हमको जो भुगतना होगा, जेल जाना होगा, लाठी खाना होगा, यह कहाँ के न्याय है जो सर्व कानून का भी जो है न्यूनतम मजदूरी है उससे भी कम मजदूरी दिया जा रहा है, यहाँ तक कि 26 दिन का पैसा दिया जा रहा है। हम लोग का मांग है उनको 30 दिन का मजदूरी दिए जाए, छुट्टी को एड किया जाए, छुट्टी को पैसा। परिचय बताइए। परिचय, हमारा नाम हुआ मंगल पासवान, पटना नगर निगम कर्मचारी संयुक्त समन्वय समिति के सह संयोजक। आपने देख लिया साफ तौर पे मजदूरों का ये कहना है कि बिहार सरकार जो न्यूनतम मजदूरी देती है उससे भी कम मजदूरी पटना नगर निगम के द्वारा दिया जाता है। जब तक हम लोगों की मांग पूरी नहीं होगी तब तक हड़ताल पर बने रहेंगे। अब देखना होगा कि दैनिक मजदूरों की हड़ताल कब तक खत्म होती है। बहरहाल मजदूरों की हड़ताल से पूरा शहर, पूरी राजधानी त्राही माम कर रही है। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। अगर इस वीडियो को हमारे Facebook पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो करें। धन्यवाद।